अब हम आपको श्लोक नंबर 8 पढ़ाएंगे। कस्यार्थ कलशेन को मृगयते वासो यथा निश्चितम दीक्षा पारितवान किम इच्छति पुनर्देयम गुरोर यद भवे आत्मानुग्रह मिच्छति नृचा धर्मा प्रिया यद यस्यास्ति समीपस्थं वदतु तत्कस्यार्थ किम दीयताम। श्लोक है शारद विपरीत छंद का। तो इस वाले श्लोक में जो कंचुकी है वह तपस्वियों को आह्वान कर रहा है कि ये तपस्वियों किसको क्या चाहिए, क्या कह रहा है देखिए आप। तस्य कलशेन अर्थ है वो तस्य कलशेन अर्थ है अवास मृगेते अर्थात किसको कलश की आवश्यकता है और को वासो मृगेते और कौन वस्त्र चाहता है। इसके अलावा फिर यथा निश्चितम दीक्षां पारितवान किम इच्छति यत् पुनः गुरु तेम भवे और दीक्षा दीक्षित हो जाने पर है ना अर्थात शिक्षा पूरी कर लेने पर दीक्षा के लिए किम इच्छति कौन क्या चाहता है जो गुरुदेव भवे जो उसे दीक्षा के रूप में गुरु को देना हो नृपजा धर्माभिराम प्रिया अर्थात जो राजकुमारी है वो धर्म से प्रेम करने वाली है और आत्मानुग्रह मच्छति और वह क्या है कि अपने ऊपर कृपा चाहती है पुण्य कमाना चाहती है इसलिए तत् कस्य अद्य किम देता हूँ यस्य समीपसितम अस्थि वदतु तो आज किसको क्या दिया जाए जो उसको चाहिए आप कहिए। श्लोक है बहुत अच्छा श्लोक है। तो इसमें कंचुकी कह रहा है तपस्वियों से कि हे तपस्वियों कस्य कलशेन अर्थ है किसको कलश की आवश्यकता है को वासो मृगयते कौन वस्त्र चाहता है ना यथा निश्चितम दीक्षां पारितवान एक निश्चित दीक्षा निश्चित शिक्षा प्राप्त करने पर गुरु को जो चाहिए वह कौन क्या चाहता है नृपजा धर्माभिराम प्रिया जो राजकुमारी वो धर्म से प्रेम करने वाली है और आत्मानुग्रह मुच्छति अपने ऊपर कृपा चाहती है इसलिए वदतु आप कहिए कि अद्य कस्य किं दीयताम आज किसको क्या दिया जाए जो उसको चाहिए यद समीपसितम यस्य समीपसितम अस्ति जो वह चाहता है। ठीक है तो यवंद रायण कहता है आत्मगतम ने आप अंत दृष्ट उपाय ओहो समस्या का हल हो गया मतलब उपाय खोज लिया हो अहम अर्थी अरे सुनो मैं कुछ चाहता हूँ। तो पद्मावती ने कहा दृष्टया सकलम में तपोवनाभिगमनम पद्मावती कहती कि सौभाग्य से मेरा तपोवन आना सफल हो गया कि कोई तपस्वी कुछ मुझसे चाहता है
तापसी संतुष्ट तपस्वी जन्म इदम आश्रम परम आगंतुक नयन भविष्यव्यम। तो तापसी कह रही है कि ये जो तपोवन है इसमें तो सभी तपस्वी संतुष्ट हैं, तो यह कोई अतिथि होगा, यह कोई बाहरी व्यक्ति होगा जो कुछ चाहता है, वरना सभी तपस्वी इस आश्रम में संतुष्ट हैं। तो ये कौन है? कंचुकी, हो किम क्रियता। तो कंचुकी ने कहा कि कहो क्या किया जाए, तुम क्या चाहते हो? तो योगंद्रायण कहता है इयम मे ससा, यह मेरी बहन है, रोषित व्रत का इच्छा में अत्र भवत्या किंचित कारण परिपाल्य माना। यह मेरी बहन है और इसका पति विदेश में गया हुआ है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि भवत्या अर्थात जो माननीय राजकुमारी जी हैं वह किंचित काल हम कुछ समय के लिए इसकी रक्षा करें, मैं ये चाहता हूँ। वही बात कि यह प्रोषित वर्त का है, ये मेरी बहन है, उसका पति विदेश में गया हुआ है, तो मैं चाहता हूँ कि राजकुमारी कुछ समय के लिए इसका परिपालन करें, रक्षा करें।